हेलो एवरीवन, दिस इज जैद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। सो बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 की एग्जांपल 4 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे डैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू की बर्फीज हैं और 130 बादाम की बर्फीज हैं, और वो चाहती है बच्चों कि वो इन काजू और बादाम की बर्फीज को ऐसा स्टैक करे, मतलब ढेर लगाए, उनको इकट्ठा करके रखे। कहाँ रखना है? ट्रे में रखना है कि सेम नंबर हैज अ सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। कि बच्चों हर ढेर में, मतलब हमारे पास ट्रे है, ये ट्रे है, ठीक है, और ट्रे में कुछ खाने होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास आपकी फ्रिज में ट्रे पड़ी होगी, तो ये ट्रे थोड़ी बड़ी है जिसमें हमने बर्फियां रखनी है। मान लो बच्चों उसने ये जो हमारा ट्रे का जो खाना है इसके अंदर स्टैक कर दिया, मतलब ढेर लगाया किसका? बर्फीज का। और दोनों मिक्स करके रखना है हमने, काजू वाली बर्फी और बादाम बर्फी को दोनों को एक साथ मिक्सअप करके हर हमने खाने में रखना है। और बच्चों ये हमें ये बोल रहा है कि हर खाने में इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, बर्फी आनी चाहिए काजू वाली, और सेम ही हमें बादाम बर्फीज ईच खाने में आनी चाहिए। तो मतलब बच्चों ये है कि अगर मान लो कि ये खाने में 10 हमारी काजू वाली बर्फीज आई हैं, तो 10 ही हमारी बादाम वाली बर्फीज आनी चाहिए। और बच्चों हमने बर्फीज को ऐसे रखना है इस खाने के अंदर, इस ढेर को ऐसे लगाना है, स्टैक करना है, कि ये कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करे इस ट्रे का, मतलब कम से कम एरिया घेरे। तो बच्चों व्हाट इज द नंबर ऑफ द डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डैट कैन प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो बच्चों हमें कितने स्टैक, मतलब कितने ढेर यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि छोटी जगह पे हमने ज्यादा से ज्यादा जो बर्फीज हैं वो रखनी है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो ये हम बच्चों कैसे कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा जहां बात आती है और हमारे पास अगर दो डिजिट हो, तो बच्चों हम करते हैं HCF। HCF मतलब क्या होता है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर बच्चों हमारे पास 420 बर्फी है काजू वाली और 130 है हमारे पास बादाम वाली, और अगर इन दोनों के ऊपर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अप्लाई करें, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो बच्चों हमें यह चल जाएगा पता कि हम छोटी सी जगह पे इन दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन, कॉमन मतलब जितने ये वाली बर्फी होगी काजू वाली उतनी ही बादाम वाली बर्फी होगी, कॉमन, और वो सबसे क्या होगा? हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो इसलिए अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हमें क्या करना होता है? HCF फाइंड करना होता है। तो इसलिए बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमने ज्यादा से ज्यादा कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा बर्फियों को रखना है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास देखते हैं कौन सी डिजिट हमारी बड़ी है, 420 और 130। तो बच्चों यहां पर 420 हमारी ग्रेटर है 130 से। अब बच्चों यहां पर हमने क्या करना है? अब इक्वल डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे बाय इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखें, हमने जैसे इंट्रोडक्शन की वीडियो में किया था कि अगर दो हमारे पास नंबर हैं, दो डिजिट है, अगर उसका हम HCF फाइंड करें तो हम स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप वन। अब बच्चों स्टेप वन में हमने क्या करना है कि इन दोनों का डिवाइड करना है। 420 को जो हमारा बड़ा है नंबर उसको हमने अंदर रखना है, और 130 को बच्चों हमने बाहर रखना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। 130 के टेबल पे 420 कहाँ आता है? 420 तो नहीं आता, तो
इससे लेस आता है 390 और वो 3 पे आता है, ठीक है बच्चों। और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 30। अब बच्चों इन सारे एलिमेंट्स को हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर लिख देना है। ये हमारा क्या होता है डिविडेंड, यहाँ पर डिविडेंड क्या है 420, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ये बच्चों हमारा क्या होता है जो बाहर होता है लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइजर, तो बी हमारा क्या है डिवाइजर 130 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है 3 × 3 एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या है 30, ठीक है बच्चों। स्टेप वन हो गई। अब बच्चों यहां पर हम करते हैं स्टेप टू। तो बच्चों स्टेप टू में हमने क्या करना है कि हमने रिमाइंडर को जीरो लाना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अब स्टेप टू में हमारा जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, मतलब वो अंदर आ जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो बाहर आके क्या बन जाएगा बच्चों हमारा डिवाइजर। अब बच्चों हम देखेंगे 30 के टेबल पे 130 कहां आता है, तो बच्चों 4 पे हमारा 120 आता है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर आएगा 10, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 130 हमारा है डिविडेंड, 30 हमारा है डिवाइजर, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है इनटू 4 हमारा क्वेश्चन है एंड प्लस 10 हमारा रिमाइंडर। हमने बच्चों रिमाइंडर क्या लाना है जीरो लाना है। अब बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टेप थ्री में, तो बच्चों अब हमारा 30 जो डिवाइजर था पिछले केस में वो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और हमारा जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। 10 के टेबल पे 30 आता है 3 पे 30, और अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 हमारा है डिविडेंड ए इक्वल टू डिवाइजर हमारा 10 है इंटू क्वेश्चन इंटू 3 और रिमाइंडर हमारा 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारा HCF क्या आया है 10, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन होता है लास्ट स्टेप में जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा क्या क्वेश्चन नहीं हमारा जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे therefore HCF of 420 and 130 is 10, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे therefore या फिर लिखेंगे hence the sweet seller can make stacks of 10 for both kind of burpees, ठीक है बच्चों। तो स्वीट सेलर को कितने स्टैक्स बनने पड़ेंगे 10, ठीक है, बोथ काइंड ऑफ बर्फी मतलब उसमें बादाम और काजू वाली बर्फी दोनों मिक्स होगी, उसको 10 स्टैक कम से कम बनाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, जिसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बर्फियां आ जाए छोटी जगह पर। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 4 समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। my channel. Thank you.